साथियों, मैंने सुना कि दीदी इन दिनों एक सवाल पूछ रही है। आपने भी सुना होगा, दीदी एक सवाल पूछ रही है कि क्या बीजेपी भगवान है जो उसे पता चल गया है कि पहले दो चरणों में बीजेपी की बड़ी जीत मिल रही है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, हम तो मामूली इंसान है और ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के आशीर्वाद से देश सेवा में लगे हैं। दोस्तों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, मैं आपके इस प्यार को कभी भूल नहीं पाऊंगा। दोस्तों, आपके आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। ये जो आप प्यार दे रहे हैं ना, आप जो प्यार दे रहे हैं, 2 मई के बाद बीजेपी सरकार बनने के बाद मैं ये प्यार ब्याज समेत इस इलाके का विकास करके लौटाऊंगा। ये आपका प्यार कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। भारत माता की। देखिए, दीदी पूछ रही है हम भगवान हैं क्या, हमें विजय का कैसे पता चल गया। लेकिन दीदी, ओ दीदी, चुनाव में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, ये पता करने के लिए भगवान को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। ये जो जनता जनार्दन है ना, वो ही भगवान का रूप होती है। अरे, जनता जनार्दन का चेहरा देखकर के पता चलता है कि हवा का रुख क्या है। यही तो ईश्वर का अवतार है। और दूसरा दीदी, आदरणीय दीदी, दूसरी बात जो है कि चुनाव नतीजों का पता कैसे चलता है, अनुमान कैसे लगता है। एक तो आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, इन सब को देखकर एक बच्चा भी बता सकता है कि दीदी टीएमसी आप चुनाव हार चुकी है, दीदी आप मैदान छोड़ चुकी है। रोज आप सुनिए, रोज आपको कहना पड़ रहा है कि आप नंदीग्राम जीत रही है, नंदीग्राम जीत रही है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी जिस दिन आपने, चुनाव के दिन पोलिंग चल रहा था, नंदीग्राम में पोलिंग बूथ में जो खेला किया,
जो बातें कही उसी दिन पूरे देश ने मान लिया था कि आप हार गई है। इसके लिए भगवान को पूछने की जरूरत नहीं है दीदी। जब आपकी पार्टी ये घोषणा कर देती है कि दीदी अब बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ेगी, तो कोई भी समझदार व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ सकता है कि टीएमसी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बंगाल में अब टीएमसी नहीं बच सकती है। दीदी को राजनीति करनी होगी तो बंगाल के बाहर जाना पड़ेगा, ये आपकी पार्टी बोल रही है। क्या ये सुनने के बाद भगवान को तकलीफ देने की जरूरत है क्या? भगवान को पूछने की जरूरत है क्या? आपको भी समझ आता है कि नहीं आता है? आपको भी पता चलता है कि नहीं चलता है दीदी हार रही है? आप बताइए, आपको लगता है कि नहीं लगता है? आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अभी हाल में ही आपने कहा, देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बटने मत दो। दीदी आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं। आपको पब्लिकली ऐसा कहना पड़ रहा है, इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, आप वैसे तो चुनाव आयोग को गालियां देती रहती हैं, सुबह शाम एक ही बात करती रहती है, लेकिन जो बात आप बोल रही है, अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के ऑडिटोरियल लिख करके हमारे बवाल नोच लिए होते। दीदी मुझे पता नहीं है कि आपको चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है या नहीं, लेकिन आपकी ये बात साफ बताती है कि आप जिनके भरोसे चुनाव के मैदान में थी, वे भी अब आपसे चले गए हैं और आप पब्लिकली उनको कह रही हो मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये दीदी बोल रही है। दीदी इसका मतलब ये होता है कि आप चुनाव हार रही हो। दीदी जिस चुनाव आयोग ने दो बार चुनाव करा करके आपको मुख्यमंत्री बनाया, आज आपको उस चुनाव आयोग से ही दिक्कत होने लग गई। ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। जिस ईवीएम ने
वाम के शासन को उखाड़ फेंकने में आपकी मदद की। बंगाल के नागरिकों की इच्छा का आदर ईवीएम मशीन खुद करता है। एक एक नागरिक की इच्छा ईवीएम में कैद होती है। आज आपको उस ईवीएम से भी समस्या होने लग गई। जब आप ईवीएम को गाली देती हो, आप इलेक्शन कमीशन को गाली देती हो, तो मामला पक्का है कि आपका खेला शेष है। ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। जिस केंद्रीय वाहिनी की मांग आप खुद करती थी, मांग करती थी कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथ में ही चुनाव होना चाहिए, दीदी आप आज उन पर गुस्सा कर रही हैं, उनको बदनाम करने के लिए भाषा बोल रही है, षड्यंत्र कर रही हो। ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। दीदी आप एक राज्य की सीएम है, दो फेज का चुनाव हो चुका है, बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुआ, करीब करीब 80% से ज्यादा वोट पड़े। मैं भी गुजरात में मुख्यमंत्री था, इतना अगर वोटिंग होता है, शांतिपूर्ण होता है, तो सीएम के नाते मैं गर्व से कहता हूं कि देखिए मेरे राज्य में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, मेरे राज्य में इतना ज्यादा मतदान हुआ, मैं गर्व करता था। दीदी यहां शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, 80% से लोग ज्यादा मतदान करने जा रहे हैं और आप परेशान हो, आप गर्व नहीं कर रहे हो, यही बताता है दीदी कि आप चुनाव हार रही हो।